जी, इंटरनेट वेयर इंटरनेट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है जी। ये हमने एक मैसेज बनाया, फॉर्म फिल किया, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद हम अपने सॉफ्टवेयर में गए, राउंड क्यूब में, ठीक है जी। हमने इसको जब बैक किया, रिफ्रेश किया, देखिएगा नहीं जो है वो मेल आ चुकी है। कलर मैक डार्क कंप्लेंट अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, डबल क्लिक करें, आपकी कंप्लेंट जब ओपन हुई है तो आपने अपने फॉर्म के जरिए जो है वो ईमेल के ऊपर मैसेजेस जो है वो हासिल कर लिए, ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो, मेन का जो सी पैनल है, यानी आप, मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, दोबारा से आता हूँ सी पैनल से ताकि बच्चों को समझ आ सके। तो सी पैनल पे आने के लिए जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे कि आप अपने डोमेन का नाम लिखेंगे। मैं जैसे अपने डोमेन का नाम लिख रहा हूँ, अबाया गैलरी डॉट एक्स वाई जी स्लैश फॉरवर्ड स्लैश सी पैनल, एंटर करेंगे, हमारे पास कंट्रोल पैनल का लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने आके अपना यूज़र नेम दिया और पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद सी पैनल में हम एंटर हो जाएंगे। कंट्रोल पैनल में एंटर होने के बाद जो हमने काम किया है, यहाँ पे सेक्शन फाइल्स डेटाबेसेस, उसके नीचे चलते जाएंगे, ईमेल का हमारा सेक्शन आ जाएगा, दिस वन। ईमेल सेक्शन में हम ईमेल अकाउंट्स में आएंगे, ईमेल अकाउंट्स, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपना एक ईमेल, हमने ये देखें जितने भी आप ईमेल अकाउंट्स जनरेट करते जाएंगे वो यहाँ पे नीचे लिस्ट में आते जाएंगे। ये देखें जैसे एडमिन एट बाया गैलरी डॉट एक्स वाई जी है, सपोर्ट एट बाया गैलरी डॉट एक्स वाई जी है, आप यहाँ पे आ गए। उसके बाद अब आपने नया अकाउंट क्रिएट करना है। ये देखें यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी आ रहे हैं, 3 अवेलेबल हैं, 2 हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं यूज्ड। आप क्रिएट के बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी डोमेन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो डोमेन भी हैं, सब डोमेन्स भी हैं, तो लिहाजा हम डोमेन, अपनी जो डोमेन है उसके हवाले से यूज़र नेम, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे इन्फो लिख रहा हूँ, पहले मैंने सपोर्ट लिखा था इन्फो एट बाया गैलरी डॉट एक्स वाई जी, सेट पासवर्ड, आपने इसका पासवर्ड जो है लाहौर एट, मैंने इसका जो है वो पासवर्ड दे दिया, कोटा इसको स्टोरेज स्पेस दे दी, फॉर एग्जांपल आप इसको 100 MB देना चाह रहे हैं 100 MB दे दें, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप इसको जो है कितने MB तक जो है वो देते हैं। उसके बाद आपने क्रिएट के बटन को क्लिक कर दिया, जब आपने इसको क्लिक किया पेट के बटन को तो एक तीसरा अकाउंट आपके सामने मैंने इन्फो के नाम का यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब जिस तरह से स्पोर्ट को हमने क्रिएट किया था, इन्फो को भी मैंने क्रिएट किया, आप चाहें इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मैनेज भी कर सकते हैं, ये मैनेज का ऑप्शन आ रही है। उसके बाद जो है आप इसको ईमेल के ऊपर आपने क्लिक किया, चेक ईमेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ईमेल का सॉफ्टवेयर है राउंड क्यूब, और दूसरा है हॉर्ड के नाम का, HORDE हॉर्ड। राउंड क्यूब यूज़ कर लें या हॉर्ड यूज़ कर लें आपकी मर्जी है, मैंने राउंड क्यूब को क्लिक किया था। राउंड क्यूब के बाद जो है वो एक ईमेल सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो गया, लाइक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या आउटलुक एक्सप्रेस की तरह का ये काम जो है। इसके अंदर ये जो ईमेल सॉफ्टवेयर है इसमें वही चीज़ें हैं जो आप जीमेल पे करते हैं, यानी इसमें इनबॉक्स है, ड्राफ्ट्स हैं, सेंट मेल्स हैं, ठीक है जी, जंक मेल्स हैं, डैश है, आर्काइव्स हैं, ये वही है सेम टू सेम जैसा कि हमारे पास जीमेल का अकाउंट होता है, ईमेल हम जिस तरह से करते हैं, तो ये बेसिकली ईमेल सॉफ्टवेयर वही है। तो रिफ्रेश
का बटन है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो जो आने वाली मेल्स होती हैं वो ये रिफ्रेश होकर यहाँ पे आ जाती हैं। अगर आपने कोई मेल करनी, जैसे यहाँ से आपने कंपोज के बटन को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से मेल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कंपोज को क्लिक कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये मुझे ये आ रही है फ्रॉम स्पोर्ट एट बाया गैलरी डॉट एक्स वाई जी। तो मैं यहाँ पे आसिम एट IBITPU डॉट EDU डॉट PK और सब्जेक्ट मैं यहाँ पे देख दे रहा हूँ कि न्यू कलेक्शन ऑफ अबायास, ठीक है जी। तो यहाँ मैं एक न्यूज़ लेटर बना देता हूँ, डियर सर और मैडम, न्यू कलेक्शन ऑफ अबायास विल बी अवेलेबल ऑन 4th ऑफ अप्रैल 2020, ठीक है। और नीचे जो है वो आप लिख सकते हैं थैंक यू शैंक यू, जो भी आपने लिखा है, थैंक्स, सिग्नेचर वगैरह बनाने। अब मैं अगर इसको सेंड करता हूँ, ठीक है, सेंड, तो ये मैंने ये सेंड हुई है टू आसिम एट IBITPU डॉट EDU डॉट PK की तरफ। ये देखें मैसेज आ गया, सेंट में भी हमारे अगर हम जाके देखें तो एक मैसेज सेंड किया हुआ है, और हम इसको जाके चेक करते हैं कि जी ये क्या मेरे पास आया कि नहीं आया। तो मैं आपके सामने जो है यहाँ पे जीमेल का अकाउंट ओपन करता हूँ अपना, gmail.com, और मैं अपने अकाउंट asim@ibatpu.edu.pk से चेक करता हूँ कि क्या वहाँ पे मैसेज रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखें हमारे पास मैसेज आया, ठीक है जी, स्पोर्ट स्पोर्ट एट बाया गैलरी डॉट एक्स वाई जी, डियर सर और मैडम।